जहरीली धुंध की मार झेल रहे यूपी में भी योगी सरकार दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी में है। यूपी सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश में भी ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह ने कहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ऑड इवन के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। अगर प्रदूषण एक दो दिन में कम नहीं होता है तो ऑड इवन स्कीम लागू करने की मंजूरी मिल सकती है। मंत्री दारा सिंह ने कहा कि सभी विभागों के साथ आज सीएम ने आकस्मिक बैठक की, इसमें प्रदूषण को लेकर गंभीर चर्चा हुई। प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही अन्य उपायों पर भी चर्चा हुई। इसमें ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने का भी विषय शामिल है। उन्होंने कहा कि ये समस्या तब तक रहेगी जब तक कि पूरा क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित नहीं हो जाता। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य भी करने वाली है। आपको बता दें कि यूपी के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लखनऊ के बाजार से फेस मास्क आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। पिछले 7 दिनों में 25,000 से ज्यादा मास्क बिके। आलम यह है कि अब मेडिकल मार्केट में मास्क नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब योगी सरकार भी ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने वाली है। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।